एंड मिसेस झा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं व्रत वाला हलवा। जैसे कि नमकीन खा के मन हमारा भर सा जाता है तो व्रत किए रहते हैं, तो आप यह व्रत वाला हलवा बना सकते हैं। जैसे कि कितने जन को पसंद भी आता है हलवा, तो ऐसे अवसर पे बनाए आप व्रत वाला हलवा। और यह बनाना बिल्कुल कठिन का काम नहीं है, बहुत ही झटपट बन जाता है। यह हमने सिंघारे का आटा और राजगीर का पाउडर 50-50 ग्राम तक हमने दोनों ले लिया है। अगर जैसे कि हम सिंघारे के आटे से हलवा बनाएंगे तो हमारा हलवा जो है वो बहुत ही कड़क सा तैयार होगा। इसके लिए हमें दोनों मिक्स करना पड़ेगा। अब यह दोनों को हम मिक्स करके क्या करेंगे, कढ़ाई में अभी बिना घी डाले इसे हम भून लेंगे। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, और क्योंकि इसमें हम घी डाल देंगे तो यह अच्छे से भून नहीं पाएगा, गुठली गुठली जैसे हो जाएगा। तो इसके लिए इसे हमने बिना घी डाले बिना ऑयल डाले, व्रत में भी तो आप ऑयल का इस्तेमाल करते ही हैं, तो बिना ऑयल डाले भी इसे हम अभी पहले भून लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट पे धीमी आंच पे इसे हम भूनेंगे तो उससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब आप इसे देखिए, यह नीचे से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन सा होने लगा है, मतलब अब यह हमारा जो हलवा है वह हल्का हल्का सा तैयार होने लगा है। अभी आपको लग रहा है कि यह हलवा कितना ज्यादा सा लग रहा है, लेकिन जब यह तैयार हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा यह कितना कम हो जाता है। और कम होने के बावजूद यह हमारे पेट में बहुत देर तक रुकता है। अब इसमें देखिए, हम गरम करके रखे एक करछुली तक इसमें हमने अभी घी डाला है, ज्यादा नहीं डालेंगे। फिलहाल एक करछुली डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। छोटी सी हमने डाली है करछुली भर के, और इसमें जितना आप हलवा में तो जितना आप घी डालिए उतना ही अच्छा बनता है हमारा हलवा। अभी पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि हम पहले डाल देते तो इसमें गुठली सी हो जाती, वैसे ही अभी भी डालेंगे तो यह गुठली बन जाएगी, क्योंकि यह ना हम आटे से बना रहे हैं ना हम सूजी से बना रहे हैं, यह हम व्रत वाले पाउडर से हम हलवा तैयार कर रहे हैं। तो यह बनाने में थोड़ा सा हल्का जैसे बोल दीजिए ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो यह जल जाएगा, इसीलिए इसे हम धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा हलवा जो है वह घी में अच्छे से लथपथ हो चुका है। अब इसमें हमने 1.25 कप तक पानी डाला है, और जैसे कि हमारा राजगीर पाउडर और सिंघारे का आटा 100 ग्राम तक था तो हमने शक्कर भी उसी हिसाब से लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना लीजिएगा। 100 ग्राम से कम हमने शक्कर डाला है और 1.25 कप तक पानी। अब इसे हम क्या करेंगे, हल्का सा शक्कर को सिर्फ पिघला लेंगे, इसका हमें पाग नहीं तैयार करना है। शक्कर को हल्का सा हम पिघला के उसके बाद जो हमने हलवा भून के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अगर हम जैसे सूजी का हलवा तैयार करते हैं तो वह भूनते भूनते ही कढ़ाई में शक्कर डाल देते हैं, अगर हम वैसे डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा हलवा जो है वह गुठली गुठली के जैसे हो जाएगा, फिर वह छूट नहीं पाता है। इसलिए हमने यह छोटी सी प्रोसेस की है 2 मिनट के लिए। देखिए इसका शक्कर जो है अब पिघलने लगा है, तो इसका हमें पाक जैसे हमने बोला था नहीं तैयार करना है। यह हम हलवा तैयार कर रहे हैं, तो अगर आपको इलायची का फ्लेवर इसमें पसंद हो तो आप जरूर डालिएगा, हमने नहीं डाला है। अब यह शक्कर देखिए अच्छे से घुल चुका है। यह हलवा ऐसे है जैसे कि अगर आप आज बना लीजिए तो कल तक यह हलवा नहीं खराब होता है, क्योंकि इसमें हमने घी का ही इस्तेमाल किया है
ऑयल वगैरह तो डाला नहीं है, हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो व्रत में कैसे हम कोई भी चीज़ बहुत ही देख सुन के खाते हैं। 9 दिन का हमने व्रत रखा है तो उसी हिसाब से हम खान पान भी करते हैं। तो इसके लिए इसको हमने घी में तैयार किया है, तो उससे क्या होगा, हमारा हलवा जो है वो 2 दिन तक भी अच्छे से रह पाता है, बिल्कुल नहीं बिगड़ता है। अब आप देखिए शक्कर हमारा पिघल चुका है, तो उसमें अब हमने जो हमने हलवा तैयार करके रखा था आधा अधूरा सा, उसे हम डाल देंगे। और डालने के बाद भी देखिए आप कि हम कितने स्पीड से चम्मच हिला रहे हैं, क्योंकि अगर हम चम्मच अच्छे से नहीं हिलाएंगे तो यह जो है अभी भी गुठली बन जाएगा। अब आप देखिए हमारा हलवा कितना नरम सा तैयार हुआ है, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने हल्का सा घी तो तभी डाला था, और अब हम फिर से इसमें आधी करछुली तक घी डालेंगे। यह घी डालने से क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट और भी सॉफ्ट सा तैयार हो जाएगा हमारा हलवा। और आपको कैसे, जैसे कि अभी हम इसमें घी डाल दिए हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि यह घी जो है वो ज़्यादा सा हो गया है, लेकिन यह 2 मिनट बाद आप देखेंगे ना तो हमारा जितना घी है वह हलवे में एकदम से सेट हो जाता है। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि कितना ज़्यादा है, देखिए 2 मिनट बाद घी जो है हमारे हलवे में अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम ऐसे ही धीमी आंच पे गोल 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 घुमा रहे हैं, क्योंकि हमारा हलवा जो है अच्छी तरह से पक जाएगा। जितने अच्छे से पकेगा यह उतना ही अच्छे से सॉफ्ट सा तैयार होगा, जैसे कि हमने आपसे बोला था कि यह हलवा हम 2 दिन तक भी रख सकते हैं। अब उसके बाद जब हलवा तैयार हो जाएगा तो आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को घी में भून के भी डाल सकते हैं, हमने ऐसे ही डाला है। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वह डाल सकते हैं। हमने काजू बादाम किशमिश यही सब डाला है, और यह सब डालने के बाद हमारा हलवा हल्का सा ठंडा हो जाएगा जब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा हलवा कितना अच्छा और कितना प्यारा सा तैयार हुआ है। और यह हलवा खाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें व्रत करने की आवश्यकता है, बिना व्रत के भी हम यह हलवा खा सकते हैं, और इसे बनाना भी कोई कठिन का काम नहीं है। जैसे कि व्रत में कभी पानी पीने का भी मन हो जाता है तो इसे हम एक बर्तन में बना के अच्छे से रख देंगे, हम कभी भी खा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा यह व्रत वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, और